भारतीय जनता पार्टी भद्रवास मंडल द्वारा श्री राजमाता साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैलाशवासी राजमाता श्रीमंत माधवी राजे सिंधिया जी के देवलोक गमन पश्चात आज भारतीय जनता पार्टी मंडल भद्रवास द्वारा एवं नगर के गणमान्य नागरिक द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक आदरणीय महेंद्र सिंह जी यादव द्वारा बताया गया कि श्रीमंत कैलाशवासी माधव राव सिंधिया जी ने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है और राजमाता साहब ने इस क्षेत्र की जनता को हमेशा अपने परिवार की तरह माना। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष राधे श्याम बंसल जी, मंडी अध्यक्ष ऊधम सिंह जी ठाकर, सुरेश सोनी, हरीश अग्रवाल जी, बल्ले ठेकेदार जी, राजेश यादव जी, खतोरा आजाद पुरी जी, रंजीत दुबे जी, दिलीप चौधरी, प्रमोद सिंगल जी, संजीव जी जाट, राम जी लाल, बाबा राजेश यादव ईश्वरी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं नगर के गणमान्य नागरिक एवं समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। भद्रवास से बाबा पत्रकार की रिपोर्ट। आप देखेंगे एक माँ अगर अच्छे शब्दों को जन्म देते जो देश के काम आए, जनता के काम आए और क्षेत्र के काम आए, तो वो कोई साधारण माँ नहीं हो। उन्होंने जो दस दिया रणनीति महाराज जैसे महाराज को जन्म दिया, जो क्षेत्र के लिए लगातार और इस देश के लिए लगातार काम किया, ये छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। नेपाल घराने से और इतने बड़े घराने की बहू बन के आई और इतने बड़े पद पर होते हुए और महाराज के जाने के बाद में पूरे परिवार को संभाला, निश्चित तौर से एक बड़ी शख्सियत आपकी इस धरती पर, ये कुछ ना कुछ हमारे लिए देने आ आज उपहार के रूप में सिंधिया घराने की जो दस सिंधिया जी हमको देखी नहीं है, तो निरंतर हम लोगों की मदद इलाज के रूप में, हर तरीके की मदद विकास के रूप में कर रहे हैं। ऐसी हमारी जननी जो हमारी माधवी राजे राजमाता साहब थी, आज की वो काफ़ी लंबी बीमारी के बाद में क्योंकि पूरे चुनाव में महाराज का मन आधा यहाँ रहता था आधा वहाँ रहता था, लेकिन ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो न कभी विश्वास पूरी करता है न किसी को नुकसान पहुँचाता है। ये परिवार हमेशा दूसरों के दुखदा को खा रहता है। तो निश्चित तौर से आज कल्याण सिंह जी और सबकी एक अच्छी बहन है, सब श्रद्धांजलि पधारे। मैं भी सामने होने का मौका मिला। ओम।